सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामदेव निवासी मृत्युपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 111/2021 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत नियोजित हुआ था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2021 को आदेश पारित किया गया है कि उनके द्वारा जो समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित संपत्ति थी, उससे उन्होंने अपनी पत्नी की सुमन देवी के नाम से दिनांक 8 फरवरी 2019 को मित्रपुर बाजार में 4.25 मीटर बड़े 50 फीट का 2 तल्ला मकान खरीदा गया था, उसे आज कुर्क कर लिया गया है। साथ ही साथ एक अन्य मकान नहीं 4.25 बड़े 50 फीट दोस्तों भी 2 तल्ला मकान बना है, वह भी कुर्क कर लिया गया है। और सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि इस कुर्कशुदा मकान की कोई भी खरीद फरोख किसी भी व्यक्ति द्वारा ना की जाए, अन्यथा वो भी दंडनीय कार्यों में लिप्त माना जाएगा। धन्यवाद। जनपद आजमगढ़ में आपराधिक तत्व और शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत D74 गैंग, जो जनपद में अवैध शराब के कारोबार के संबंध में पंजीकृत गैंग है, इसके गैंग लीडर मोतीलाल गुप्ता की आज लगभग 12 लाख के करीब की संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध थाना पवई पर 58/2021 अवैध शराब के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद इनके पूरे गैंग के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई 111/21, जिसकी विवेचना SHO फूलपुर के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान इनको यह ज्ञात हुआ कि अवैध शराब को इस कारोबार से इनके द्वारा काफ़ी संपत्ति अर्जित की गई है, जिससे इन्होंने एक ज़मीन खरीदी है और उस पर अपना मकान बनाया है। नियमानुसार इसकी जांच कराते हुए विवेचना करते हुए एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई, जिनके द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी ये ज़मीन कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिसका आज कंप्लायंस कराया गया। अवैध शराब के कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध लगातार हमारे द्वारा हिस्ट्री शीट खोलने की, गैंगस्टर करने की, गैंग पंजीकरण करने की, और उसके बाद उनका 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जो अवैध प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने की कार्रवाई जनपद में की जा रही है। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी प्रकार का अवैध शराब का कारोबार जनपद में किसी भी प्रकार से ना चलने दिया जाए, और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार पुलिस करती रहे।